साथियों, एक तरफ महाराष्ट्र में हम चौतरफा विकास होते देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य कर्नाटका में जो हो रहा है वो भी हमारे सामने है। बेंगलुरु इतना बड़ा आईटी हब है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटर है। ये जरूरी था कि इस समय बेंगलुरु का कर्नाटका का तेजी से विकास हो, लेकिन वहां जिस प्रकार की घोषणाएं करके सरकार बनाई गई उसके दुष्परिणाम इतने कम समय में आज पूरा देश देख रहा है और चिंता अनुभव कर रहा है। जब कोई पार्टी अपने निहित स्वार्थों के लिए सरकार की तिजोरी खाली करती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा राज्य के लोगों को होता है, हमारी युवा पीढ़ी के भविष्य पर सवालिया निशान लग जाता है। इससे उस पार्टी की सरकार तो बन जाती है लेकिन लोगों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। हाल ये है कि कर्नाटका सरकार खुद मान रही है कि उसके पास बेंगलुरु के विकास के लिए, कर्नाटका के विकास के लिए तिजोरी खाली है, पैसे ही नहीं है। भाइयों, ये देश के लिए बहुत चिंताजनक है। यही स्थिति राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, वहां भी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, विकास के काम ठप पड़े हैं।